नमस्कार दोस्तों, माघ पूर्णिमा का दिन हिंदू धर्म के पवित्र दिनों में से एक है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा तो की ही जाती है, लेकिन साथ ही माता लक्ष्मी को भी प्रसन्न करने के लिए भक्त इनकी पूजा करते हैं। माघ पूर्णिमा के दिन कुछ ऐसे उपाय हैं जिनको करने से आपके जीवन में धन से जुड़ी परेशानियां दूर हो सकती हैं और माता लक्ष्मी आपकी झोली भर सकती हैं। ये उपाय कौन से हैं और कैसे आप इन उपायों को कर सकते हैं, आइए इस बारे में विस्तार से जानते हैं। तो दोस्तों, माघ पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु के साथ ही माता लक्ष्मी की पूजा भी आप कर सकते हैं। आप इस दिन माता लक्ष्मी को खीर का भोग लगा सकते हैं। इसके साथ ही गुलाब का फूल भी आपको माता लक्ष्मी को अर्पित करना चाहिए। माना जाता है कि इस छोटे से उपाय को माघ पूर्णिमा के दिन करने से आपके जीवन में सुख समृद्धि आती है और माता लक्ष्मी की कृपा से आपके जीवन में धन धान्य की कमी कभी नहीं होती। इसलिए आप ये उपाय माघ पूर्णिमा के दिन आजमा सकते हैं। दोस्तों, कहते हैं कि आदि शंकराचार्य ने कनक धारा स्तोत्र की रचना की थी और इस स्तोत्र का पाठ करने से माता लक्ष्मी अति प्रसन्न होती हैं। इसलिए अगर आप भी माघ पूर्णिमा के दिन कनक धारा स्तोत्र का पाठ करते हैं तो आर्थिक तंगी से आपको मुक्ति मिल सकती है। ऐसा माना जाता है कि जो भी व्यक्ति कनक धारा स्तोत्र का पाठ करता है, श्रद्धापूर्वक पाठ करता है, उसकी दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की होती है। इसलिए आप भी माघ पूर्णिमा के दिन कनकधारा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पा सकते हैं। सुख समृद्धि की कामना के साथ आपको माघ पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी के एक मंत्र का जप करना चाहिए। मंत्र कुछ इस तरह है, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का आपको कम से कम 108 बार जप करना चाहिए। माता के इस मंत्र का जप करने से आपके जीवन में जो भी आर्थिक परेशानियां थी वो दूर होने लगती हैं और उन्नति के मार्ग आपको मिलने लगते हैं। तो इस छोटे से मंत्र का अगर आप 108 बार जप करते हैं तो माता लक्ष्मी आप पर अपना आशीर्वाद बरसा सकती हैं और पैसों से जुड़ी जो भी दिक्कतें आपके जीवन में चल रही हैं वो धीरे धीरे दूर हो सकती हैं। इसके साथ ही दोस्तों, माघ पूर्णिमा पर पवित्र नदियों में दीप दान करने से भी माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और उनके आशीर्वाद से जीवन के सभी दुख दूर होते हैं। तो दोस्तों, ये कुछ उपाय हैं जो आप माघ पूर्णिमा के दिन कर सकते हैं। ये उपाय बेहद ही आसान है, कोई भी व्यक्ति इन उपायों को कर सकता है और अगर आप श्रद्धापूर्वक इन उपायों को करते हैं तो आपके जीवन की जो भी आर्थिक परेशानियां हैं वो दूर होती हैं और आपके जीवन में सुख समृद्धि आती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और देखते रहें NBT Life। नमस्कार।